हमारे पहले के खिलाफ लड़ी तू लोग बतावा। हाँ बन ले प्रत्याशी है नहीं तय कर पौले हमारे यहाँ के लड़ावा न मोदी जी के हमारे खिलाफ भेज दे जा। उनकर मंत्री उनकर सांसद लड़त हैं कद आ जा सेवापुरी में लड़ने सेवापुरी के सेवक से ले तू लोग टीवी अखबार मिल के मोदी जी के लड़ा दे एक नहीं हार जाब तो राजनीति छोड़ दे। हाँ ये सुन ल सेवापुरी का सेवक चैलेंज दे करके बोल रहा है हम लोग राजनीति में सेवा करने आए हैं हम लोग राजनीति में व्यापार करने नहीं आए हैं। राजनीति में दो तरीके क्या झूठ के लिए जो झूठ बोला गया इस देश की जनता से 140 करोड़ लोगों से झूठ बोला गया कि हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे हम आएंगे तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म करेंगे हम आएंगे तो देश विदेश से काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया देंगे। हमारा आक्रोश उसके खिलाफ है। हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता के साथ जब देश का सबसे बड़ा नेतृत्व झूठ बोलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। ये लोकतंत्र की बात कहा गया कि गर्मी शांत कर देंगे सीएम योगी ने मन से कहा किसको जो लोग गर्मी शांत करने की बात करते हैं ना उनके लिए वो उत्तराखंड है। हाँ कैलाश पर्वत पर चले जाएं खूब ठंडा हो जाएंगे अपने आप। पिछले बार 2017 में नरेंद्र मोदी जी बनारस आए थे और 3 दिन रुके थे। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उस समय शायद 2 सीटों पे जीते और पूरा समीकरण बदल गया 8 सीटों बीजेपी के खाते में गई। इस बार फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं 3 दिन रुकेंगे बनारस में। क्या लगता है आपको अब रुकेंगे अपना वही झूठ झूठ दोहराएंगे चंदन टीका लगाएंगे। नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।